विटामिन डी एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है अच्छी हेल्थ के लिए। कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में ये हमारी बॉडी की मदद करता है। कैल्शियम एक बिल्डिंग ब्लॉक है स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए। विटामिन डी की कमी होने से कैल्शियम की कमी भी हो सकती है। जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बॉडी अपनी कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए बोन्स में से कैल्शियम खींचने लगती है, जिससे हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं और बोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मसल पेन, बोन्स में पेन, फटीक, डिप्रेशन, थकान, इन सब का कारण भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसीलिए हमारी बॉडी के दूसरे फंक्शंस के लिए भी विटामिन डी की जरूरत होती है, जैसे मसल्स, ब्रेन फंक्शन, नर्व्स के फंक्शंस। हमारे इम्यून सिस्टम को भी विटामिन डी की जरूरत होती है बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ने के लिए। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, मींस जो भी विटामिन डी हमें मिलता है फूड से, सनलाइट से या सप्लीमेंट से, वो हमारी बॉडी के फैट सेल्स में जाकर स्टोर हो जाता है, जहां वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है तब तक जब तक कि हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत ना पड़े। और जब हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए विटामिन डी को दो कन्वर्जन स्टेप से गुजरना होता है। ये कन्वर्जन प्रोसेस होता है हमारे लिवर और किडनी में। एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद इस विटामिन डी को हमारी बॉडी अपने फंक्शंस में यूज करती है। विटामिन डी मेनली दो फॉर्म्स में होता है, विटामिन D2 एंड विटामिन D3। विटामिन D2 मिलता है प्लांट सोर्स से जैसे मशरूम्स, और विटामिन D3 मिलता है एनिमल सोर्स से जैसे एग योक, फैटी फिश, चीज। हमारी स्किन भी विटामिन D3 बनाती है जब सन की UVB रेस उस पर पड़ती है। विटामिन D2 फोर्टिफाइड फूड्स में भी मिलता है। फोर्टिफाइड मींस जिसमें विटामिन्स अलग से ऐड किए जाते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट सीरियल, ऑरेंज जूस, योगर्ट, मिल्क। विटामिन D2 और D3 दोनों ही फॉर्म्स हमारे ब्लड में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन कई स्टडीज में शो हुआ है कि हमारे ब्लड का विटामिन डी लेवल बढ़ाने में विटामिन D2 से ज़्यादा इफेक्टिव है विटामिन D3। विटामिन डी की डेली रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू एज 0 to 1 year 400 international unit, 1 to 70 years 600 international unit, and 71 years and above 800 international unit. Vitamin D deficiency होने के कुछ बहुत ही common main reasons इस प्रकार हैं। पहला main reason है हमारा lifestyle, जिसमें हम ज़्यादातर समय indoors में ही बिताते हैं। बाहर धूप में हम बहुत ही कम या फिर बिल्कुल नहीं निकलते हैं, जिससे हमारी skin vitamin D नहीं बना पाती। दूसरा मेन रीज़न है हमारी डाइट। विटामिन डी के बहुत ही लिमिटेड फूड सोर्सेज हैं, तो खाली डाइट से हमारी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती। तीसरा रीज़न है एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम, मींस आपकी बॉडी में विटामिन डी तो है पर वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होता है, पर कई बीमारियों की वजह से इंटेस्टाइन विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसके कारण विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर बॉडी में लिवर या किडनी से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है तो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम लिवर और किडनी ही करते हैं। ओबीस पीपल में भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि उनमें विटामिन डी फैट सेल्स से बाइंड हो जाता है जो कि उसको ब्लड में जाने से रोकता है। क्योंकि विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये फैट सेल्स में जाकर स्टोर होता है, तो ओबीस पीपल जिनमें बॉडी फैट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, उनको ब्लड लेवल मेंटेन करने के लिए ज़्यादा विटामिन डी की ज़रूरत होती है। आपकी बॉडी में विटामिन डी का लेवल सही है या नहीं, यह जानने के लिए एक ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसमें विटामिन डी का एक फॉर्म जिसे 25-hydroxy विटामिन डी कहते हैं को मेजर किया जाता है, नैनोमोल्स पर लीटर में या फिर नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर में। अगर इसकी वैल्यू 50 नैनोमोल्स पर लीटर या उससे ऊपर आती है तो ज़्यादातर लोगों के लिए ये सफिशियंट है बोन्स एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए, लेकिन अगर इसकी वैल्यू 30 नैनोमोल्स पर लीटर से कम आती है तो ये बहुत ही कम है। ये आपकी बोन्स को वीक कर सकती है और हेल्थ को इफेक्ट कर सकती है। 125 नैनोमोल्स पर लीटर से ऊपर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जिससे हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। विटामिन डी लेने के लिए मेनली 3 सोर्सेज हैं, फूड, सनशाइन एंड सप्लीमेंट्स। फूड्स में विटामिन डी हमें मिलता है एग योक से, फैटी फिश लाइक सैलमन, ट्यूना, फिश ऑयल जैसे कॉड लिवर ऑयल, चीज़, फोर्टिफाइड फूड्स लाइक सीरियल्स, मिल्क, योगर्ट, ऑरेंज जूस।
मशरूम्स, स्पेशली सन ड्राइड मशरूम्स। मशरूम्स को पकाने से पहले अगर आप उसको आधे से एक घंटे के लिए धूप में रख देते हैं तो उसमें विटामिन डी का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि मशरूम्स भी हमारी स्किन की तरह यूवीबी रेज से विटामिन डी प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा सोर्स है सन। हफ्ते में 2 से 3 बार अगर आप आधे घंटे के लिए धूप में बैठते हैं तो आपकी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। सन से विटामिन डी लेने का बेस्ट टाइम है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक, क्योंकि इस समय यूवीबी रेज मैक्सिमम होते हैं। साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि आपकी बॉडी के मैक्सिमम पार्ट पर धूप पड़े, क्योंकि विटामिन डी बनने के लिए यूवीबी रेज का डायरेक्ट स्किन पर हिट होना जरूरी है। कपड़ों के थ्रू विटामिन डी नहीं बन सकता। साथ ही अगर आप ग्लास विंडो में से धूप ले रहे हैं तो भी विटामिन डी नहीं बनेगा, क्योंकि ग्लास से यूवीबी रेज ब्लॉक हो जाती है और विटामिन डी बनने के लिए यूवीबी रेज जरूरी है। इसी तरह अगर आपने सनस्क्रीन लगा रखा है तो भी विटामिन डी नहीं बनेगा, क्योंकि सनस्क्रीन यूवीबी रेज ब्लॉक करता है। फेयर स्किन की तुलना में डार्कर स्किन को ज्यादा टाइम लगता है विटामिन डी बनाने के लिए, क्योंकि उनमें मेलानिन पिगमेंट की मात्रा ज्यादा होती है जो कि एक नेचुरल सनस्क्रीन की तरह काम करता है। तो डार्कर स्किन को विटामिन डी लेने के लिए अराउंड 1 से 1.5 घंटा धूप में रहने की जरूरत हो सकती है, पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इतनी देर धूप में रहना पॉसिबल नहीं हो पाता, और तेज धूप के कारण स्किन डैमेज होना, प्रीमैच्योर एजिंग, पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, इवन स्किन कैंसर होने का भी डर रहता है। इवन डॉक्टर्स का भी आजकल यही कहना है कि जितना पॉसिबल हो सके उतना आप विटामिन डी अपनी डाइट से और सनलाइट से लें, बाकी अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी निकलती है तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना बेटर है, जो कि आप अपने डॉक्टर की एडवाइस से ले सकते हैं, जो कि आपको बताएंगे कि सही डोज क्या है और कितने समय तक लेना है, क्योंकि विटामिन डी की ओवरडोज से भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। देखते रहिए 21 फ्रेम्स ऑफ लाइफ ऐसे और यूजफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।